हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? पूरी आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ स्लिक के हॉट वैक्स के साथ वैक्स, जो कि मैं फुल लेग पे करके दिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर आप बिगनर हैं और आप पहली बार अपना वैक्स करने जा रहे हैं हैंड पे या लेग पे, तो आप बहुत आसानी से स्लिक के वैक्स के साथ में आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनको बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ थी, और आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर इस तरह की हेयर ग्रोथ किसी की है तो आप इस वाले हॉट वैक्स के साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल आपको स्मूथ स्किन मिलती है इस वैक्स को यूज़ करने के बाद, और बहुत ही अफोर्डेबल ये वैक्स होता है। हॉट वैक्स बहुत ईजी टू यूज़ होता है, बस आप सही तरीके से अगर उसे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। इनकी आप ग्रोथ देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को ग्रोथ की बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा ग्रोथ पे हम कोई स्पेसिफिक वैक्स ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल वैक्स भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप पार्लर्स में जाते हैं तो वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं, तो नॉर्मल का मतलब यही होता है कि स्लिक के वैक्स के साथ ही वो वर्क करते हैं और उसको नाम देते हैं नॉर्मल। तो अगर आप नॉर्मल वैक्स कराने जा रहे हैं किसी सलून में, तो आप ये वाला वैक्स घर पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिस्पोजेबल ये पट्टी ली हुई है जो कि वैक्स स्ट्रिप है, और इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके हाफ कट करूंगी, जिससे छोटी छोटी पट्टियां तैयार हो जाएंगी और बहुत ही इजी हो जाता है इस तरह से वैक्स को निकालना। अगर आप बड़ी पट्टी के साथ काम करना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप निकाल सकते हैं। आज मैं आप लोगों को तीन तरीके से वैक्स करने बताऊंगी जो कि आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। एक तो ये जो कि मैंने पट्टियों को काट के यूज़ किया है, और दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊंगी जिसमें कि बिना वैक्स के भी आप वैक्स कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं मैं ये सीक्रेट है, लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। आप ये देखिए कि मैंने इस तरह से पट्टी ली हुई है, एक साइड में थोड़ा सा चिकना रहता है और दूसरे साइड में ग्रेन्यूल्स उभरे होते हैं, यानी कि थोड़ा सा उभार रहता है। उसी साइड में आपको जिधर वैक्स आपने लगाया है साइड में चिपकाना है। अच्छी तरीके से चिपक जाने के बाद आपको अपोजिट डायरेक्शन में उसे खींच देना है। आप ये देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे वैक्स हो गया है, और अभी मैं इसलिए ही और कहीं करके आपको नहीं दिखा रही हूँ ताकि आप रिजल्ट देख सके और समझ सके कि बहुत अच्छे तरीके से आप इस तरह से वैक्स कर सकते हैं। बस आपको चिपकाना बहुत अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से आप चिपकाएंगे उतनी ही अच्छी तरीके से पूरी ग्रोथ के साथ अच्छे से निकल जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैक्स बहुत अच्छे से नहीं हुआ, छूट गया या कुछ ऐसा, तो उस कंडीशन में होता है जैसे बहुत लोग पूरी ग्रोथ नहीं आई हुई होती है हेयर की और बीच बीच में वैक्स कर लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी ये चीज़ होता है। तो अगर वैक्स आप कर रहे हैं और पूरी ग्रोथ के साथ कर रहे हैं तो बहुत ही क्लीन तरीके से वैक्स होता है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनकी नी में लगा दी है, और ये बहुत ही एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ अच्छे तरीके से। देखिए घुटने को मैंने इस तरह से मोड़ लिया जिससे कि वो थोड़ा टाइट हो जाए, और तब जब आप वैक्स स्ट्रिप से खींचते हैं तो कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अदरवाइज बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है अगर आप घुटने पर वैक्स लगाने के बाद बिना उसे मोड़े अगर आप वैक्स स्ट्रिप खींचेंगे ना, तो रेडनेस हो जाती है, वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है। तो आप समझ लें कि जब भी आप किसी भी पोर्शन पे वैक्स कर रहे हैं उसको आप मेक श्योर रहिए कि उस एरिया को आप टाइट कर लें अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं पूरी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से निकल गई है, और ये देखिए कितने ज़्यादा हेयर्स दिखाई पड़े हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपको ये दिखाने में, बट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप रिजल्ट देख सकें कि क्या है। तो इस तरह से मैंने जो है पतली पतली पट्टियाँ ली हैं, यानी कि हाफ हाफ पट्टियों को काटा था जो मैंने, उसी से मैं निकालते जा रही हूँ। और कम ही स्ट्रिप में आप पूरा काम कर लेंगे, आपको ज़्यादा स्ट्रिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और करना बहुत ईजी होता है पूरे स्ट्रिप के साथ। अगर पूरा जो एक लेंथ होता है उसके साथ अगर आप काम करेंगे तो कभी कभी वैक्स इधर उधर फैल जाता है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आप उस तरह भी कर सकते हैं, मैं अभी वो वाला भी तरीके से आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन इस वाले तरीके से आप करेंगे ना तो बहुत आराम से आप कर लेंगे। अगर आप सेल्फ अपना भी करना चाहते हैं तो बहुत आराम से कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनके जहाँ जहाँ भी ग्रोथ थी और जो जो एरियाज बचे हुए उस पर भी मैंने अच्छी तरीके से चिपका चिपका के जो भी हेयर्स रह गए थे मैंने सारे निकाल दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे इनको हेयर ग्रोथ थी, और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी हेयर ग्रोथ है आप पूरे एरियाज पे लगाएंगे। बहुत सारे लोग जैसे कि सिर्फ जहाँ बड़े बड़े बाल हैं उसको ही निकालते हैं, जो छोटे हेयर्स होते हैं उसको नहीं निकालते। एक बार आप पूरी जगह एप्लीकेशन कर लेते हैं तो अगर टैनिंग भी होती है ना तो वो भी रिमूव हो जाती है, और अगर छोटे से छोटे हेयर्स हैं तो भी निकल जाते हैं। नीट एंड क्लीन तरीके से वैक्स करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने पूरे लेग पे कर लिया और कहीं छोटे मोटे बाल रह गए तो वो और भी गंदा दिखता है। तो इसलिए जब भी आप करें पूरे एरियाज को कवर करें अच्छे तरीके से। और यहाँ पर भी मैंने इस तरह से
पट्टियां रखी हैं, अच्छे से वैक्स अप्लाई किया है। और वैक्स आप ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, उतना ही गर्म होना चाहिए। गर्म का मतलब कि आप उसे नाइफ से उठा के, आप जब उठाते हैं तो एक नॉर्मल सा कंसिस्टेंसी आपको होना चाहिए। और हाथ पे आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, हालांकि हम लोगों को करते करते ही पता चल जाता है कि कितनी कंसिस्टेंसी पे कितना हीट हुआ होगा और कितने पे हम उसे लगा सकते हैं। तो आप हाथ पे चेक करके ही लगाएं। अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम आप करने जा रहे हैं, तो डायरेक्टली अप्लाई मत करिएगा, अदरवाइज ऐसे में अप्लाई कर लेने पे हो सकता है आपकी स्किन बर्न हो जाए। तो अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों ही हेयर्स, एक जिसमें अभी हमने नहीं किया है वो वाला पैर देखिए, और जिसपे मैंने किया है उसमें देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और अभी देखिए, मैंने पीछे वाले एरिया को नहीं किया है। जब भी किसी का आप वैक्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप आगे वाले पोर्शन पे कर लें, और उसके बाद उनको पीछे की तरफ से लिटा के, यानी कि पेट के बल लिटा के, फिर पीछे के एरियाज को आपको अच्छे तरीके से कवर करना होता है। ये देखिए, यहाँ पे इनकी ग्रोथ इस साइड है और इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे वैक्स इस साइड लगाया है और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैं खींच दी हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ निकल जाती है, हेयर्स बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाते हैं। और अब मैं फिर से वैसे ही पट्टियाँ काट काट के और अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको दिखाई पड़ेगा। और बहुत ही सस्ता वाला ये वैक्स होता है, और काफ़ी एक तरह से कह लीजिए कि एकदम सेफ है। आप इसे घर पे ज़रूर कर सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आप किसी की मदद ले लें, लेकिन अगर से आप सेकेंड थर्ड टाइम कर रहे हैं, तो आप ये वाला वैक्स बहुत आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। जब भी आप इस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में स्टेप को खींचेंगे, उस टाइम में आप ये ध्यान रखिए कि जो स्किन है उसको आप टाइट करके ही खींचिए, अदरवाइज रैशेस पड़ सकते हैं या ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है। आगे के पोर्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जो बोन्स होते हैं वो टाइट होते हैं और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। केवल आपको घुटने के एरिए पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, लेकिन जब आप पीछे के साइड के हेयर्स निकालते हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी ज़रूर आपको बरतनी होती है, अदरवाइज वहाँ क्लॉटिंग होना ही होना होता है, क्योंकि एकदम लूज स्किन होती है और उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फिर से घुटने को अच्छी तरह से मोड़ लिया था और निकाल दिया था, और जो छोटे छोटे से एक एक हेयर्स रह जाते हैं उसको भी आप इस तरह से दबा दबा के निकाल देंगे, बहुत इजीली निकल जाता है, कोई बहुत आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जितने भी हेयर्स हैं उसको अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया था। तो आपको भी इस तरह से ही करना है, और इससे टैनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है। मैं फुल लेग पे इनके की थी, लेकिन मैं फुल लेग का आपको वीडियो नहीं दिखा सकती, तो मैंने यहाँ तक ही आपको करके बताया है। इसी तरह से आपको ऊपर वाले एरिया पे भी कर लेना है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फिर से जहाँ जहाँ छोटे छोटे हेयर्स रह गए थे, मैंने वहाँ पे फिर से अप्लाई किया था और इसे अच्छी तरीके से निकाल दिया था, जिससे कोई भी हेयर ना रह जाए और देखने में भद्दा ना लगे, क्योंकि अगर थोड़े बहुत भी हेयर रह जाते तो बहुत खराब लगता है। बार बार आपको एप्लीकेशन नहीं करना है, आप मोस्टली मान के चले कि दो बार बहुत ज़्यादा है, दो बार के बाद अगर एक आध बार छूट गया तो आप धागे से भी निकाल सकते हैं। तो अब मैंने इनको पेट के बल लिटवा दिया था, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं, मैं पीछे के साइड में जो ग्रोथ है उस पर वैक्स एप्लीकेशन कर रही हूँ, और उसको इस तरह से एक नाइफ से अच्छे तरीके से आपको ग्लाइड कराना है, स्लाइड कराना है, और ऑल ओवर जहाँ पे भी आपको हेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कवर करना है। और मैंने देखिए, अभी जो पट्टी ली है ना, ये पूरी फुल पट्टी ली है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगी, तो ये जिस तरह ज़्यादा ग्रेन्यूल से, यानी उभार है, उस साइड से इसको चिपकाना है। और इसमें देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये जो है, इतना एरिया आप छोड़ के रखें, क्योंकि ये एरिया आपको पकड़ने के लिए होता है, आपके हाथ में वैक्स नहीं लगेगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आप वैक्स कर पाएंगे। तो उतना एरिया आप हमेशा छोड़ के रखें और तब आप वैक्स स्ट्रिप खींचें, तो बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर लेंगे। और इससे बहुत जल्दी, अगर आप बहुत जल्दी चाहते हैं वैक्स करना, तो बड़ी पट्टियों के साथ ही आप काम करें, लेकिन सेल्फ अगर आप कर रहे हैं, खुद का अगर आप वैक्स कर रहे हैं, तो छोटी पट्टी रखेंगे तो आपको आसान होगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जो भी थोड़े मोड़े हेयर्स रह गए हैं उसे भी इससे अच्छी तरीके से निकाल दिया। और देखिए, यहाँ पे मैं खींच के ही निकाल रही हूँ, यानी स्किन को अच्छे तरीके से पकड़ लेना है, टाइट कर लेना है, एंड उसके बाद ही इसको वैक्स स्ट्रिप खींचनी है, अदरवाइज ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। और सावधानी के साथ ही आप काम करेंगे, वैक्स को करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। अगर लोग ये सोचते हैं कि वैक्स भी बहुत नॉर्मल चीज़ है, तो अब देखिए, मैं जो थर्ड तरीका आपको बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ कि मैंने देखिए इसमें कहीं भी कोई भी वैक्स नहीं लगाया है,
इनके इस वाले लेग में मैंने वैक्स नहीं लगाया और ये देखिए वैक्स हो गया। वो कैसे? क्योंकि पट्टी में जो वैक्स ऑलरेडी लगी हुई है उसको मैं अच्छी तरीके से हेयर्स पे चिपका रही हूँ और इस तरह से मैंने खींच दिया है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से निकल जाता है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो पट्टी में वैक्स लगा है उसको हेयर्स के ऊपर चिपकाना है और खींच देना है। तो ये रहा आपके लिए एक सीक्रेट कि अगर आप बिना वैक्स के भी वैक्स कर सकते हैं, और जैसे कुछ हेयर्स रह जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको अलग से वैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप वैक्स स्ट्रिप में जो वैक्स लगा है उससे ही आप आसानी से दबा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी वैक्स हो गई है कंप्लीट और इसे हम कर रहे हैं पानी से क्लीन। अच्छी तरीके से आपको क्लीन करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक कि आप एकदम श्योर ना हो जाए क्योंकि सारा वैक्स अच्छी तरीके से निकल गया है, क्योंकि बहुत ही गंदा लगता है अगर चिपचिप करता है तो बहुत ही खराब लगता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लोटस का ये मसाज क्रीम और इसे ऑल ओवर जहाँ पे हमने अभी वैक्स किया है वहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे, अच्छी तरीके से मसाज करेंगे ताकि आपकी जो क्लाइंट हैं या जिनके ऊपर आपने वैक्स किया है उन्हें रिलैक्स महसूस हो, क्योंकि अगर वैक्स करने के बाद ना बहुत ज़्यादा पेन होता है और काफ़ी इनके हेयर ग्रोथ थी तो इन्हें भी बहुत पेन हो रहा था। तो जब आप इस तरह से अच्छी तरीके से मसाज कर देते हैं तो उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है और साथ ही साथ स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाती है, ग्लोई हो जाती है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से इनका वैक्स हुआ है और बहुत ही स्किन ग्लो कर रही है इनकी। तो इस तरह से आज ये वैक्स मैंने आप लोगों को बताया है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिफोर इनका हेयर एंड उसके बाद जब वैक्स हमने कर लिया है तो वैक्स के बाद क्या रिजल्ट आया है आप वो भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। तो आई होप सो आप लोगों को मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आज आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही नए सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।